उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी चिल्लाओ मत, याद करो वो रेस का मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी, क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी। मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर सेवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का चूरा खोक दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं। याद आया उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपने ही दौलत का सत्ता मांग रही थी। ये वही कुर्सी है मदन चोपड़ा, जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां की जहन में सदमा और मेरी हथेली पर दर दर के ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक सपाही जैसी हो गई है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत है लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। और हाँ मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जरूरत मत करना। हाँ आउट।